हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू और मटर का बहुत ही टेस्टी नाश्ता और बहुत ही इजी है। इसे आप फटाफट बना सकते हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है। इसे आप ठंड के मौसम में एक बार ज़रूर बनाएं। अगर आप एक बार खाएंगे तो आपका बार बार खाने का मन करेगा। सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन टू गेट अपडेट। नमस्कार दोस्तों, प्रतिभा किचन में आप सबका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। ने लिया है यहाँ पे 1 इंच अदरक, इसको काट लिया है, 4 हरा मिर्च और ढेर सारा लहसुन और हरा धनिया, इसे हम पीसकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हम डालेंगे पैन में 2 से 3 चम्मच तेल और 1 छोटा चम्मच जीरा, और जीरे को थोड़ा सा हम चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर डालेंगे ढेर सारा कड़ी का पत्ता और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर डालेंगे 2 से 3 आलू। तो यहाँ पर आप नया आलू इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा, नहीं हम भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा आलू गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब यहाँ पर हम डालेंगे 1.5 कप मटर, तो यहाँ पर हम फ्रेश मटर इस्तेमाल कर रहे हैं और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद गैस को हम मीडियम फ्लेम पे करेंगे और इसे ढककर 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा आलू और मटर बहुत ही अच्छे से भून चुका है। तो यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और हल्दी पाउडर को 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे ताकि अच्छे से पक जाए ढककर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 से 2 मिनट हो चुका है। अब यहाँ पे हम डालेंगे कच्चा मसाला, आप इसे हरा मसाला भी बोल सकते हैं, बहुत ही सिंपल मसाला हमने डाला है। और डाल के थोड़ा सा पानी डालेंगे हम और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मिक्स करने के बाद इसे यहाँ पर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और नमक डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे हम चलाते हुए अच्छे से ढक कर रख देंगे 3 से 4 मिनट तक धीमी आंच पे। तो देख सकते हैं 3 से 4 मिनट हो चुका है और सभी चीज़ें हमारी बहुत ही अच्छे से हो चुकी हैं, मटर भी और आलू भी, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो इसे हम गैस को बंद कर देंगे और इसका कलर आप टेक्सचर देखिए बहुत ही बढ़िया आया है। तो इसे अब हम सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो एक बार हमारे तरीके से इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिए। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग को बहुत पसंद आएगा। ये खाने में बहुत ही चटपटा और टेस्टी हैं। इन्हें हमने कच्चा मसालों में बना के तैयार किया है। तो आप एक बार हमारे तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।